तो हे फ्रेंड्स, मैं सीएस गौरव सेठ फ्रॉम शेपर्स एजुकेशन, और आज मैं आपको बताऊंगा कंडीशन एंड वारंटी ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या है कंडीशन, क्या है वारंटीज, उसके क्या क्या अदर रिलेटेड प्रोविजंस। तो ये देखिए, आपके सामने नोट्स हैं मर्केंटाइल लॉस के, और हमारा आज का टॉपिक है कंडीशंस एंड वारंटीज। और आज के लेक्चर में हम ये तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वारंटी। देन आफ्टर गेनिंग द नॉलेज, वी विल स्टडी डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन एंड वारंटी। एंड द थर्ड इज सिचुएशन और केसेस वेयर द कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज द वारंटी। तो वी विल कवर ऑल दिस थ्री टॉपिक, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टू टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज कंडीशन एंड वॉरंटी। हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कंडीशन एक्चुअली है क्या और वॉरंटी क्या है। तो चलिए, हम हमारा लेक्चर जो है, सबसे पहला हम समझते हैं एक्चुअली कंडीशन होती क्या है। तो जब भी हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में किसी से हम चीज खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले मैं मेरा स्पेसिफिक पर्पस बताता हूँ किसी चीज को खरीदने के लिए। तो वो जो मैं पर्पस बताता हूँ, वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है, वो मेरी एक एसेंशियल कंडीशन है। कि जैसे सपोज एग्जांपल, मैं फोन खरीद रहा हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट या एसेंशियल कंडीशन है कि फोन जो है उसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी रैम बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्क्रीन जो है, उसके पिक्सल जो है, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो यहां पर मैंने किसी सेलर को अपनी स्पेसिफिक एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट बता दी है, एक स्टिपुलेशन या रिक्वायरमेंट बताती है कि मेरे को ये फोन जो है वो ऐसी, मेरे को ऐसे फोन की नीड है। तो जहां पर ये ऐसी कंडीशन मैंने लगा दी, तो इस ये होता है कंडीशन। और मैंने फोन खरीदने के बाद अगर जो मैंने स्पेसिफिकेशन दिए थे वो नहीं है उस फोन में, तो मैं फोन जो है वो फिर से रिटर्न करके पूरा पैसा जो है वो सेलर से ले सकता हूं। तो यहां पर हम समझते हैं व्हाट इज कंडीशन। तो देखिए, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन या एक ऐसी मेन रिक्वायरमेंट जो कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका मेन क्रक्स या मेन एसेंस या मेन एलिमेंट है। अगर वो नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या रेप्यूडेट कर सकता है, और वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो आई होप आपको कंडीशन का मतलब समझ आया हो। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहां पर राम और श्याम के एग्जाम्पल की बात की गई है। तो राम जो है वो श्याम से कंसल्ट करता है, वो एक कार डीलर है। ओके, ही श्याम इज कार डीलर। तो राम जो है वो इसके पास जाता है और वो पूछता है, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी मेन रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे ऐसी कार बता जो कि टूरिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छे से काम आ सके, और मैं उस कार से अपने बिजनेस का प्रमोशन जो है, अपने प्रोडक्ट का या सेल का प्रमोशन कर सकूं। इस तरह की मुझे कार चाहिए जो कि मुझे यूजफुल हो प्रमोशन ऑफ बिजनेस में। अब श्याम ने उसे सजेस्ट किया कि भाई तू जो है वो मारुति कार जो है वो ले ले, जो कि तेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो इस पर डिपेंड होकर राम ने जो है वो मारुति कार जो है वो परचेस कर ली। जब परचेस करी, जब उस कार को यूज किया गया, तो पता चला राम को कि जो कार जो थी वो बिल्कुल भी फिट नहीं थी, अनफिट थी, और वो अपना सेल्स का प्रमोशन ही नहीं कर पाया। तो अब यहां पर एक कंडीशन जो थी कि वो सुटेबल होनी चाहिए, मेन पर्पस था कि टूरिंग पर्पस के लिए वो सुटेबल होनी चाहिए। अब मेन पर्पस में ही क्या हुआ, वो कार जो है वो अनफिट निकली। तो मेन पर्पस जो है वो पूरी तरीके से ब्रीच हुआ। तो इसीलिए राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से कैंसिल कर सकता है, और अगर उसे नुकसान हुआ है तो वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो ये था कंडीशन, जहां पर अगर मेन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो जो बायर जो है, और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो आई होप आपको कंडीशन जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड डेफिनेशन के थ्रू, दैट इज वारंटी। आपने सुना ही होगा, जब भी आप मोबाइल परचेस कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेस कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि इसकी क्या वारंटी है। ठीक है, तो वारंटी मींस अगर मैंने कोई गुड्स खरीदा है
और उसके अंदर सपोज मान लो कोई डैमेज है, तो वो डैमेज जो है वो जो सेलर जो है वो रिपेयर करके उस प्रोडक्ट को फिर से दे देगा। तो जब वारंटी में ब्रीच होता है तो एक बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। नो द डिफरेंस, कंडीशन में अगर ब्रीच हुआ है तो वहां पर एक बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, लेकिन अगर वारंटी में ब्रीच हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, रिपुडिएट या कैंसिल नहीं कर सकता। वो सिर्फ अगर उसे डैमेज हुआ है तो उसे क्लेम कर सकता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन देखते हैं हम, और वारंटी इज अ स्टिप्युलेशन या एक ऐसी रिक्वायरमेंट दैट इज सेकेंडरी और कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द सेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो द ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी में ब्रीच होती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ हम डैमेजेस जो है, एक बायर जो है वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अ मैन, ठीक है, एक पर्टिकुलर बंदा था, सपोज मान लो ए, ठीक है, बाइज अ पर्टिकुलर कार। ठीक है, उसने किसी डीलर से एक कार जो है वो खरीदी है। ठीक है, अब यहां पर एक वारंटी दे दी है कि ये कार जो है आपके लिए चलाने में और कंफर्टेबल काफी रहेगी। अब इट टर्न्स आउट दैट आफ्टर सम डेज क्या हुआ, कार जो है वो अजीब सी आवाज निकालने लग गई। हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो कार में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो यहाँ पर कार से अनप्लीजेंट नॉइज जो है वो आ रही है। तो ऑल्सो सिटिंग इन साइड इट इज ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल, जब मैं कार में बैठ रहा हूं तो कंफर्टेबल भी मुझे नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर वारंटी है, तो यहाँ पर ए जो है वो डीलर के पास जाएगा और अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि कार आवाज करने लगी है, सीट जो है वो मेरी कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, बट ए जो है वो डैमेजेस जो है वो क्लेम यहाँ पर कर सकता है। तो दिस इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन का ब्रीच नहीं हुआ है, बट यहाँ पर हुआ है ब्रीच ऑफ वारंटी, बट द स्टिपुलेशन मेड बाय द सेलर वॉज ओनली अ कोलेटरल वन, मीन्स छोटा मोटा ही डैमेज या कुछ भी हुआ है, नॉइज आ रही है, तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है, तो यहाँ पर वो डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, आपको यहाँ पर मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि कंडीशन और वारंटी की अगर हम बात करें तो कंडीशन जो है वो मेन पर्पस है, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी की बात करें तो वो एक सेकेंडरी या कोलेटरल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच होता है कंडीशन का तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या रिप्यूडिएट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर वारंटी में अगर ब्रीच होता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, बल्कि हम यहाँ पर डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं कंडीशन के ब्रीच में। अब हम देखते हैं डिफरेंस, वेरी इजी। सबसे पहला हमें सेक्शन लिखना है, इट इज डिफाइंड अंडर 12(2) ऑफ सोगा, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इट इज डिफाइंड अंडर 12(3). नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं, इट इज द एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पर इट इज ओनली द कोलेटरल। नेक्स्ट, राइट इन केस ऑफ ब्रीच, ये हमने बहुत बार समझ लिया, अगर ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं और डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वारंटी में अगर ब्रीच हुआ है तो जो एग्रीव्ड पार्टी जो है, जो बायर जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता बट डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकता है। दिस इज द मेन डिफरेंस जो कि कंडीशन और वारंटी में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट, वही चीज है यहाँ पर, अगर कंडीशन में ब्रीच होता है तो उसको हम मानेंगे कि वारंटी में भी ब्रीच हुआ है, लेकिन अगर वारंटी में अगर कोई ब्रीच हुआ है तो हम उसे नहीं बोलेंगे कि कंडीशन में ब्रीच हुआ है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। आई होप आपको डेफिनेशन विद एग्जाम्पल समझ आया हो, वॉट इज कंडीशन, वॉट इज वारंटी, एंड वॉट आर दी रिस्पेक्टिव डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो ये क्रक्स हमें एकदम अच्छे से याद रखना है, कंडीशन में हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वारंटी में अगर ब्रीच होता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम डैमेजेस को क्लेम करेंगे। नाउ द टॉपिक इज, व्हेन कैन कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 13 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं क्या लिखा गया है इसका।
कब कब हम कंडीशन को वारंटी मानेंगे। और हमने क्रक्स समझा, जैसे ही अगर हमने कंडीशन को वारंटी मान लिया तब क्या होगा, अब कंडीशन को मैंने वारंटी मान लिया है तो तब मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल जो है वो नहीं कर सकता जब मैंने कंडीशन को वारंटी मान लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकता। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे केसेस है जहां पर कंडीशन को हम वारंटी मानेंगे और वहां पर राइट टू कैंसिलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, और कंडीशन भी ब्रीच हुई है लेकिन हमने उसको ब्रीच ऑफ वारंटी माना है तो हम जो है ओनली डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर, देखो कब हम कंडीशन को वारंटी मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कैंसिल होने से नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, बिकॉज वो अब हो गया है वारंटी जब भी ब्रीच हुआ है कंडीशन का। तो देखिए सबसे पहला है जब बायर खुद ही बोल देता है, जब बायर जो है वो खुद ही बोल देता है कि ठीक है मैं वेव कर रहा हूँ, लेट इट, चल ठीक है मां तेरे से गलती हो गई है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता, तो वॉलेंटरली क्या करता है वो कंडीशन को वेव ऑफ कर देता है कि लेट इट बी, ठीक है चलेगा मैं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको पूरा करूं। जब जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुद ही बोल देता है बायर कि मैं वेव ऑफ कर रहा हूं, तो यहां पर जो है कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू वारंटी, और जब भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी ब्रीच होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेगा, बट वो अगर ब्रीच हुआ है तो बिकॉज इट इज वारंटी नाउ तो वो ओनली जो है डैमेजेस को क्लेम कर पाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, When the buyer elects to treat the breach of condition as one of the warranty, जब buyer खुद ही बोल देता है कि breach of condition जो है मैं मानूंगा कि वो breach of warranty है, that is to say he may claim only damages instead of repudiating the contract. वो क्या करेगा, वो बोल देगा कि ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है वो नहीं मानूंगा मैं और उसको मानूंगा मैं ब्रीच ऑफ वारंटी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते, क्या हुआ, ए जो है उसने एग्री किया है बी को कि वो जो है उसे 10 बैग्स जो है वो शुगर के भेजेगा, ठीक है ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से और वो जो है वो 10 बैग्स ऑफ शुगर जो है वो भेजेगा एट द रेट ऑफ 625, ठीक है पर बैग, बट सप्लाइज ओनली सेकेंड क्वालिटी शुगर, ठीक है फर्स्ट में उसने बोला है कि मुझे फर्स्ट क्वालिटी का शुगर ही चाहिए, लेकिन ए ने क्या किया फर्स्ट की बजाय उसे सेकेंड थोड़ा कम क्वालिटी का शुगर जो है वो बेच दिया और उसकी प्राइस है एट द रेट ऑफ 600 पर बैग। अब यहां पर क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई, क्यों ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई, बिकॉज उसने कहा था कि मेन एलिमेंट ही क्या था कि फर्स्ट क्वालिटी का होना चाहिए लेकिन उसने भेजा सेकेंड क्वालिटी, तो यहां पर क्या हुआ ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ। एंड द बायर कैन यहाँ पर क्या कर सकता है इससे कि भाई मेरे पास तो सेकेंड क्वालिटी के शुगर आई है तो जा मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ तू फिर से ये ले ले, तो बायर रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर बायर जो है वो इलेक्ट करता है, वो खुद ही बोलता है कि चल कोई बात नहीं तू मेरा फ्रेंड है मैं तेरे से रोज खरीदता हूँ चल कोई बात नहीं चलेगा मैं ये सेकेंड क्वालिटी का भी एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो यहां पर वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं जाने दे, तो यहां पर जो है वो उसे मानेगा ब्रीच ऑफ वारंटी एंड वो एक्सेप्ट कर लेगा सेकेंड क्वालिटी ऑफ शुगर, और जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में तो बिकॉज ब्रीच ऑफ वारंटी माना गया है तो जो 25 रुपीज का डिफरेंस जो है वो उसे एज ए डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकता है ए बी जो है ए से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, दैट इज नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड इधर द होल गुड्स एंड पार्ट थereof, तो यहां पर भी एक्सेप्टेंस की बात हुई है, ठीक है कैसे मैं आपको समझाता हूँ, शुगर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है शुगर जो है वो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी को, ए जो है वो बी को भेजेगा शुगर, उसने बोला कि मुझे जो है वो फर्स्ट क्वालिटी के, बी ने बोला कि मुझे फर्स्ट क्वालिटी के शुगर ही चाहिए, अब ए ने यहां पर क्या किया एक लॉट बनाया और उसमें फर्स्ट क्वालिटी प्लस सेकेंड क्वालिटी भी ऑफ शुगर जो है वो मिला दी, ठीक है यहां पर केस अलग था, यहां पर उसने फर्स्ट क्वालिटी का मांगा था और दिया उसने सेकेंड क्वालिटी का, यहां पर तो ए ने क्या किया ए ने दोनों क्वालिटी के शुगर को मिला दिया, तो
यहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेपरेबल या सेपरेबल नहीं है। अब वो बी पर डिपेंड करता है कि वो उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर मानेगा तो बोल देगा कि जा तूने तो मुझे दोनों मिक्स करके दिया है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करता हूं, और हो तो वो क्या करेगा, डैमेजेस भी क्लेम करेगा। लेकिन अगर बी बोलता है कि चल कोई बात नहीं, दोनों क्वालिटी का है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, सेपरेबल भी नहीं हो रहा है, तो वो एक्सेप्ट करता है उस लॉट को, तो यहां पर कंडीशन जो है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू वारंटी, और वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, गुड्स के अगर कुछ भी ब्रीच होती है वारंटी की, तो वो जो है गुड्स जो है अगर कुछ भी ब्रीच हुआ तो वो डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज बाय लॉ, ठीक है, या इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। अगर लॉ में ही वो प्रोविजन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है, तो वहां पर भी कंडीशन जो है वो इक्विवेलेंट होगी वारंटी की। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ए जो है और बी है, ठीक है, ए मेडिसिन बनाता है, ठीक है, तो उस मेडिसिन में सपोज मान लो 15 ग्राम का कोई एक कंटेंट आता है, बी अब उसे बोल रहा है कि यार इसके अंदर जो है वो 20 ग्राम का कंटेंट जो है वो डाल और मुझे मेडिसिन बनाकर दे, जो कि लॉ में अलाउड है ही नहीं। तो जब लॉ में ही अलाउड नहीं है, तो वहां पर अगर ए ने कोई भी ब्रीच किया है तो बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर ही नहीं सकता, बिकॉज लॉ में अलाउड ही नहीं है, लेकिन वो डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकता है। आई होप आपको ये सारे केसेस अच्छे से समझ आ गए हो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या डिफरेंस है। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ था कि ये दो पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया है, वॉलेंट्री वेवर या कंपल्सरी वेवर। वॉलेंट्री मीन्स मैं खुद ही एक्सेप्ट करता हूँ, तो वेज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो खुद ही लेट इट कर रहा है कि चल ठीक है कोई बात नहीं जाने दे, और वो इलेक्ट करता है टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी। कंपल्सरी वेवर में हमने देखा कि जब गुड जो है वो सेपरेबल नहीं हो रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो नॉन सेपरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुआ, वो वेवर कर रहा है और कंडीशन जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू वारंटी, और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज एक्सक्यूज बाय द लॉ। तो यहाँ पर दो चार पॉइंट्स है वो इस तरीके से हम हेड पॉइंट्स के थ्रू याद कर सकते हैं। फर्स्ट इज वॉलेंट्री वेवर एंड दी नेक्स्ट इज कंपल्सरी वेवर। तो यहाँ पर हमारे तीनों टॉपिक जो है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट हुए हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड वारंटी, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, एंड थर्ड ऐसे केसेस जहां पर कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू वारंटी, और वहां पर अगर कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू वारंटी तो जो भी बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगा, ओनली डैमेजेस जो है वो क्लेम कर पाएगा। ये हमने केसेस समझे। तो आज के टॉपिक में आई होप आपको पूरे अच्छे से विद एग्जाम्पल समझ में आ गया हो व्हाट आर कंडीशन, व्हाट आर वारंटीज एंड व्हाट आर अदर रिलेटेड प्रोविजन टू दिस। आप इसको एकदम अच्छे से समझिए, एंड फॉर नोट्स हमारे शेपर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।